दोस्तों, अफगानिस्तान की सीमा से सटे पाकिस्तानी इलाके में रहने वाली कलाश जनजाति की वहां के सबसे कम आबादी वाले अल्पसंख्यकों में गिनी जाती है। हिंदू कुश पहाड़ों के बीच रहने वाले इस समुदाय के लोग बाहरी दुनिया से एकदम अलग थलग रहते हैं। यहां के लोग पहाड़ों को काफी मान्यता देते हैं। तो आइए दोस्तों, इनके बारे में विस्तार से आज जान लेते हैं। दोस्तों, ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित हिंदू कुश की पहाड़ियाँ, और इसी के घाटी में रहते हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय और खूबसूरत लोग। नाम है कलाश जनजाति। दोस्तों, कलाश जनजाति के लोग मुस्लिमों से घिरे होने के बावजूद आज भी प्राचीन वैदिक धर्म को मानते हैं। आसपास में सिर्फ मुस्लिम आबादी होने के कारण उधर के मुसलमान कलाश लोगों को हिंदू कुश के अंतिम काफिर या ऋग्वैदिक काफिर कहते हैं। 100 साल पहले इनकी जनसंख्या 1 लाख से भी ऊपर थी, लेकिन आखिर क्या कारण है कि इनकी आबादी घटती ही जा रही है और अब घटकर मात्र 4000 के करीब रह गई है। आप इस वीडियो में देखिए कि कैसे एक कैलाश जनजाति की लड़की मजाक मजाक में बहुत गहरी सच्चाई बोल देती है। वो कहती है कि पहले तो हमारी तादाद बहुत ज्यादा थी, हम लोगों ने तो पूरे 3000 साल हुकूमत की, पर मुसलमानों ने बाद में आकर मार मार कर हम लोगों को खत्म कर दिया। ये सच है, हिस्ट्री बताती है। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आखिर कलाश ट्राइब्स असल में किस धर्म को मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं और किसके वंशज हैं। इसके साथ ही मैं इस जनजाति के बारे में बहुत सारी ऐसी रहस्यमय बातें भी बताऊंगी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कृपया दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, कलाश लोग पाकिस्तान के चित्राल जिले में रहते हैं। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के नजदीक है। इनकी संस्कृति इनके आसपास रहने वालों से बहुत अलग है एवं बहुत पुरानी कही जाती है। असल में कलाश लोगों की नस्ल के दूसरे लोग अफगानिस्तान के नूरिस्तान में भी रहते हैं। नूरिस्तान में रहने वाले ये लोग पहले पाकिस्तान की कलाश घाटी में रहने वालों की तरह वैदिक धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में उनसे जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करवाया गया। 1890 में अब्दुल रहमान खान नाम के एक अक्रांता ने इस क्षेत्र पर हमला करके यहाँ के लोगों को इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया था। उसने यहाँ के लोगों को मुसलमान बनाने के बाद इस जगह का नाम नूरिस्तान रख दिया था। नूरिस्तान में रहने वाले ये मुसलमान वैदिक धर्म को मानते थे। इसका प्रमाण ये है कि इस इलाके को पहले काफिरस्तान कहा जाता था। काफिरस्तान मतलब यहाँ गैर मुस्लिम रहते हों। आज भी स्थानीय लोग इस इलाके को काफिरस्तान ही कहते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि काफिरस्तान के लोग जब मुस्लिम बन गए तो कलाश घाटी के लोग कैसे बचे रह गए। आपको बता दें कि कलाश घाटी, जो कि अभी पाकिस्तान में है, उस समय ब्रिटिश इंडिया में आती थी एवं अफगानिस्तान से बाहर थी। इसीलिए इस्लामिक आक्रांता अब्दुल रहमान कलाश घाटी में रहने वालों को मुस्लिम नहीं बना सका। अब सबको पता है कि हजारों साल पहले समृद्ध संसार सनातन धर्म को मानता था, लेकिन आने वाले समय से कट्टर विचारधाराएं बढ़ती गई और नए नए मजहब का उदय हुआ। कभी एक समय पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर तक फैले इस वैदिक संस्कृति का आज इन इलाकों में नामो निशान भी नहीं है। कश्मीरी पंडितों का पलायन तो अभी हाल का विषय है। जितने भी सनातनी थे बलपूर्वक मुसलमान बना दिए गए, लेकिन कलाश घाटी में रहने वाले लोग आज भी शुद्ध हैं। शुद्ध इसलिए क्योंकि हिंदू कुश की घाटियों में पहुंचना बहुत ही दुर्गम था। यही कारण है कि हाल के दिनों में भी वहां वैदिक धर्म बचा रह गया। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस पवित्र जनजाति पर इस्लामीकरण का खतरा भी बढ़ते जा रहा है। कलाश जनजाति प्राचीन हिंदू धर्म के एक रूप का पालन करती है जो विभिन्न देवताओं और आत्माओं को पूजते हैं। यूनेस्को ने उन्हें 2018 में एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया था। वे भारी मुस्लिम पड़ोसियों से घिरे क्षेत्र के एकमात्र बहुदेववादी जनजाति है। इसी कारण ये अपने साथ पारंपरिक हथियारों के अलावा अपनी सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियार भी रखते हैं। कलाश घाटी हिंदू कुश के विशाल पहाड़ों द्वारा संरक्षित है, इसीलिए वे इतने लंबे समय तक बाहरी दुनिया से कटे हुए थे। ऐतिहासिक रूप से कलाश लोग 24,000 वर्षों से अधिक समय तक इन घाटियों पर हावी रहे हैं।
हालांकि गंभीर धमकियों और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद वे अपने जीवन का भरपूर जश्न मनाते हैं। त्योहारों के दौरान कैलाश महिलाएं और पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं और गाते हैं। उनके त्योहारों के समय कोई भी लड़की किसी भी लड़के से अपने प्यार का इजहार कर सकती है। इनमें शादी का अनोखा रिवाज है या कहें कि शादी को लेकर खुलापन है। इस समुदाय में चौमास त्योहार के दौरान लड़की जिस लड़के को पसंद करती है उसके साथ चली जाती है। लड़के के घर जितने दिन चाहे रह सकती है, उसके बाद अपने घर लौट आती है। इसके बाद मान लिया जाता है कि लड़की उस लड़के के साथ शादी करना चाहती है। इसके बाद दोनों की शादी करवा दी जाती है। लड़की अगर किसी को भी पसंद करती है और उसके साथ भाग जाती है तो ये एक रस्म मानी जाती है। और इस फेस्टिवल के टाइम ये लोग पसंद करते हैं भाग के शादी करना। अगर गैर मुस्लिम होकर या गैर मजहब के साथ वो भागकर शादी करें तो ये लोग मुनासिब नहीं समझते। जब कैलाशी अपने मजहब में कैलाशियों के साथ भागकर शादी करते हैं तो इन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि दोस्तों वो उनका कल्चर है। कैलाश समुदाय के लोग मिट्टी और लकड़ी से बने घरों में रहते हैं। ये समुदाय देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कैलाश समुदाय में किसी के निधन पर शोक मनाने का रिवाज नहीं है। इस समुदाय में किसी की मौत पर उत्सव मनाया जाता है। समुदाय के लोग नाचते गाते हैं, जश्न मनाते हैं। समुदाय का मानना है कि ऊपर वाले की मर्जी से कोई धरती पर आता है, उसकी मर्जी से चला जाता है। इसमें रोने की कोई वजह बाकी नहीं बचती। हिंदू देवता भगवान शिव को कैलाश जनजाति में महादेव के रूप में जाना जाता है। भगवान इंद्र को इंद्र या वरेंद्र के रूप में जाना जाता है और भगवान यमराज को इमरा के रूप में जाना जाता है। उनका एक प्रचलित त्योहार है कामोस, जिसमें ये भगवान इंद्र और भगवान शिव का बखान करते हैं। भारत के विभाजन के समय कैलाश घाटियों में कैलाश की कुल आबादी लगभग 30,000 आकी गई थी, लेकिन पाकिस्तान के निर्माण के बाद उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई है। अब चित्राल में केवल 3,800 कैलाश रहते हैं। अधिकांश कैलाश बहुत गरीब हैं, क्योंकि वे ज्यादातर कृषि, पशुपालन और घाटियों की उपज पर निर्भर हैं। शहरों के लोग अक्सर इस्लाम अपनाने के लिए सहमत होने पर उन्हें रोजगार देने का लालच देते हैं। पिछले 2-3 दशकों में सड़कों की सुविधा हो जाने से धर्मांतरण का खतरा भी घाटियों में बढ़ गया है। अब कैलाश युवकों का जबरन धर्म परिवर्तन बढ़ गया है। नाबालिग कैलाश लड़कियों का अपहरण किया जाता है और उनकी शादी किसी भी मुस्लिम व्यक्ति से कर दी जाती है। कैलाश लोगों का ऋग्वैदिक रीति रिवाज इतने अक्षुण है कि बौद्ध धर्म, जो कभी अफगानिस्तान के निकटवर्ती क्षेत्रों में फैल गया था, फिर भी कभी हिंदुकुश की सुदूर घाटियों में प्रवेश नहीं कर पाया। कैलाश घाटी के लोग अपनी ऋग्वैदिक परंपराओं और रीति रिवाज का पालन करते रहे हैं, लेकिन अब मुस्लिम क्षेत्र में एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक समुदाय होने के नाते कैलाश को जीवन के इस्लामिक मानकों के अनुरूप होने के लिए लगातार खतरों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपने प्राचीन जीववादी विश्वास और उनकी ऋग्वैदिक प्रथाओं को छोड़ के कहा जाता है। स्थानीय लोगों ने उन्हें आर्थिक लाभ और बेहतर इलाज के लिए इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया है। कैलाश घाटियां अब इस्लामी चरमपंथ से त्रस्त हो चुकी हैं। घाटियों का तेजी से बढ़ता इस्लामीकरण बहुत ही चिंताजनक है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर सरकार और विश्व संगठन हस्तक्षेप नहीं करते तो अगले 10 से 15 वर्षों में पूरी जनजाति इस्लाम में परिवर्तित हो जाएगी। और अफसोस है हम हिंदुओं के लिए कि हमने अपनी सबसे पुरानी जनजातियों में से एक को फिर से गुमनामी में खो दिया या खोने जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए जिससे ये सूचना हमारे देश के शीर्ष नेताओं तक पहुंचे और वो हमारे कैलाश लोगों की सुरक्षा के लिए यूएन पर दबाव बना सकें। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर महादेव।